अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। राजस्थान बेरोजगारी पता 2022 बिग अपडेट इंटरशिप योजना स्थगित को लेकर बड़ी अपडेट आपको सही जगह बताई जाएगी। पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें। और इसी के साथ फरवरी बिल पास 2022 के लेटेस्ट अपडेट किन कितना फरवरी का बिल पास होगा, इसके अलावा वेरीफाई फॉर्म अप टू डेट सबकी जानकारी आपको इस वीडियो करते पता ही जाएगी। वीडियो को आगे तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप योजना स्थगित को लेकर। तो दोस्तों, इंटर्नशिप योजना तो स्थगित वो तब तक नहीं होगी वो जब तक आप अपने आप से तो प्रयास नहीं करोगे। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी सब तो बेरोजगारी तो पता वो ले रहे हैं, वे अपने सभी अभ्यर्थी अपने वो नज़दीकी चाहे MLA हो तो विधायक हो या फिर रोजगार ऑफिस भी रोजगार कार्यालय ऑफिस पर भी जाकर आपको इंटर्नशिप के तो विरोध में एक ज्ञापन वो जरूर देना। क्योंकि दोस्तों, अगर हज़ारों की वो संख्या के अंदर इंटर्नशिप के विरोध के अंदर वो ज्ञापन वो दिया जाएगा और इंटर्नशिप का तो विरोध किया जाएगा, चाहे आप सोशल मीडिया से करो, लेकिन आपको एक तो प्रयास वो करना ही होगा, वो तभी आपकी इंटर्नशिप योजना स्थगित होगी। यानी कि इंटर्नशिप योजना को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ है और पक्ष और विपक्ष वो दोनों तरफ से इंटर्नशिप योजना को लेकर तो अलग अलग तो मत दिए जा रहे हैं। यानी कि विपक्ष इंटर्नशिप योजना का तो विरोध भी कर रहा है और विपक्ष हमारे साथ भी है। इस हिसाब से आप भी अपने वो नज़दीकी साइज जो भी विधायक हो, आपके MLA हो या फिर जो भी तो पार्षद हो, उनको भी इंटर्नशिप विरोध के अंदर ज्ञापन वो जरूर है, उनको भी तो अवगत जरूर करें कि इंटर्नशिप योजना के कारण हमारी तो पढ़ाई वो किस प्रकार से ख़राब हो रही है। यानी कि जो अभ्यर्थी को कंपटीशन एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है, अगर वो इंटर्नशिप योजना बहुत इंटर्नशिप योजना के लिए जाएगा तो फिर वो अपनी तो पढ़ाई वो कब करेगा। वो सरकार को भी इसके बारे में वो सोचना चाहिए कि हम बेरोजगारों से साथ इंटर्नशिप को इंटर्नशिप योजना को चालू करके अन्याय कर रहे हैं। यानी कि इससे पहले जो हमारे बेरोजगारी पता मिलता था उससे हम अपने तो पढ़ाई चाहे ऑफलाइन कहीं पर भी तो कोचिंग करते रूम पर तो रहते तो हमारे तो बेरोजगारी पत्ते की इससे हमारी आर्थिक मदद हो जाती, जिससे हम अपनी वो कोचिंग का भी तो भुगतान वो कर देते और जो भी हमें स्टडी तो मटेरियल चाहिए था ये सब अपने तो बेरोजगारी पत्ते तो आने से सब कुछ तो पॉसिबल हो जाता। लेकिन अभी इंटर्नशिप आने से तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो कि इंटर्नशिप वो नहीं करे, उनका बेरोजगारी पता भी बंद कर दिया जा रहा है। तो हमारे वो सरकार से यही वो कहना है कि आप प्लीज़ इंटर्नशिप योजना को स्थगित कर दीजिए और जिस प्रकार से पहले बेरोजगारी पता मिल रहा था उसी हिसाब से बेरोजगारी पता भी दिया जाए। इसके अलावा बात करते हैं फरवरी बिल पास के बारे में। दोस्तों, तो फरवरी का बिल पास भी अब आपका तो आगामी तो वीक के अंदर फरवरी बिल पास भी हो जाएगा। इसके अलावा वेरीफाई फॉर्म भी इसी लास्ट वीक यानी कि 25 मार्च के बाद अप्रूव प्रोसेस को लेकर बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।